हाय फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो फैमिली, आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा SMPIN कितने दिन में आया है और कैसे रिसीव हुआ, और साथ में मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फैमिली, फाइनली जो मेरा SMPIN है वो मुझे रिसीव हो गया है, और ये रहा मेरा SMPIN, आप लोग देख सकते हैं। तो फैमिली, इसके लिए मुझे 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद ये पिन जो है मुझे रिसीव हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मेरा आएगा कि नहीं, मुझे मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा वाला मेरे साथ चल रहा था, और जब मैंने पहली बार इसको अप्लाई किया ना, तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया था, जिस वजह से मुझे काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है। और मैं बार बार सोचती थी आएगा कि नहीं आएगा। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मुझे मिला है ना, ये सब में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, तभी ये मुझे मिल पाया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि मुझे आप लोगों के प्यार सपोर्ट के कारण आज ये मुझे मिला है, आज मेरे हाथ में भी है। और ये मुझे मिला है 16 फरवरी को, और मैं थोड़ा लेट वीडियो को शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। तो उनकी वजह से भी ये मुझे मिल पाया है, क्योंकि पहली बार में मुझसे कुछ गलती हो गई थी, और मैं अपने हस्बैंड से हर एक बात शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ें उनको बताती हूँ कि हाँ ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, या नहीं आ रहा है तो हस्बैंड जी नहीं आ रहा है, सारी बातें मैं उनसे शेयर करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। तो वो मुझे कहते आ जाएगा बाबू, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा, ठीक है। हमेशा बोलते रहते हैं, चीज़ें बताते हैं, प्रॉब्लम मैं खड़ा करती हूँ, सॉल्व वो कर देते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैंने इंतज़ार किया, 1 महीना नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम दोबारा अप्लाई कर देना। उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया एड्रेस फिल करने के लिए, मैंने वैसे वैसे किया, उनकी बातों को फॉलो किया, और टचवुड ये आ गया है। और आने से एक दिन पहले ही मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उन्होंने बोला मिल जाएगा, आ जाएगा, सब्र करो। तो आ गया है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी, और साथ में अगर मेरे हस्बैंड जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता, आप मुझे गाइड किए, मुझे बताए, तो मुझे ये मिला, ठीक है। और ये जब मुझे मिला 16 फरवरी को, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा अंदर से इमोशनल हो गई हूँ, खुशी के मारे, खुशी के आंसू है इसलिए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये मुझे मिल चुका है फाइनली, ठीक है। और एक बात और भी मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी नहीं बोलूंगी, पर बोल देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसकी खुशी तो मुझे है ही है, पर मैंने सोचा था कुछ और, पता नहीं, छोड़िए, मैं वो बात नहीं करना चाहती हूँ इस टाइम, अभी नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आज साथ में इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बता देती हूँ मैं, हो सकता है कि आपके लिए वो यूजफुल हो जाए। सबसे पहली चीज़ कि जब आप इसको अप्लाई करें ना, तो वहाँ पर आपको एडसन में आपको एड्रेस डालना होता है, तो आपके जैसे कहते हैं पैन कार्ड से आप कर रहे हैं, तो पैन कार्ड में तो एड्रेस नहीं होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि एड्रेस मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो आपके पास आधार कार्ड होगा, उसमें जैसे एड्रेस दिया है आपको वैसे ही फील करना है, उसमें एडसन में जा कर के वैसे ही एड्रेस फील करना है, और तो आपका ज़रूर आ जाएगा, आप लोगों को इंतज़ार करना है, ठीक है। इंतज़ार करने के बाद वो ज़रूर आ जाता है, एड्रेस गलत होने के कारण कभी कभी नहीं मिल पाता है। इसके लिए मुझे और भी बहुत सारा कुछ करना पड़ा था, पर मैं इसके लिए मुझे और भी बहुत कुछ करना पड़ा था पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पर मैंने सोचा कि मैं इतना सारा कुछ बताऊँ आप लोगों को बोर कर दूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी इसके लिए वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग चाहो तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, कोई इशूज़ हो रही है, तो वहाँ जाके देख सकते हो। बस मेरी लास्ट टिप्स है कि आप जो भी एड्रेस फिल करते हो, एक बार उसको चेक कर लो, गलत तो नहीं है, और अगर गलत है तो सही कर लीजिए। दूसरा टिप्स आप लोगों के लिए ये है कि आप अगर पैन से कर रहे हो, पैन कार्ड से कर रहे हो, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका एड्रेस डालो, तो जैसे वहाँ है वैसे ही सेम फील करना है आपको, और आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, आपका ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साथ में एड्रेस के साइड में आपको मोबाइल नंबर भी दे देना है। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।